हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विंटर के लिए कुछ स्किन केयर टिप्स। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, ठंडी अपने पूरे शवाब पे है। ऐसे में हम जहाँ नहाने में लापरवाही करते हैं, वैसे ही हम चेहरे की साफ़ सफाई का भी ख्याल नहीं रख पाते। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि सर्दियों में भी कैसे आप अपनी स्किन को यंग, खूबसूरत बनाए रख सकती हैं। बहुत ही कम समय में आप अपने स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, आइए जानते हैं। सर्दियों में चेहरे की डेड स्किन रिमूव करने के लिए रोज़ वाटर, शहद और नींबू एक बेहतरीन ऑप्शन है। इन तीन चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला के आप एक घोल बना लीजिए। स्किन अगर आपकी ज़्यादा ड्राई है तो आप इस घोल में ग्लिसरीन जरूर मिलाएं और इसे अपने चेहरे के 2-3 मिनट तक मसाज करें। उसके बाद गुनगुने पानी से आप अपने फेस को वॉश कर लें। चेहरे को सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए पपीता और कच्चे दूध से बेहतर और कुछ भी नहीं। एक छोटा टुकड़ा पपीते का मैश कर लें, उसमें 1 चम्मच शहद और कच्चा दूध मिला के आप एक पैक बना लीजिए। इस पैक को चेहरे पर 5-10 मिनट लगा के रखें। उसके बाद आप इसे गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए। इसी तरह से आप इस पैक को बनाने के लिए पपीते के जगह पे केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब केला, शहद और कच्चा दूध मिला करके फेस पैक तैयार हो सकता है। अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है तो रोज़ रात में सोने से पहले 2 चम्मच शहद में कच्चा दूध मिलाकर चेहरे की मसाज करें। इससे आपका चेहरा सॉफ्ट होगा और चेहरे पर चमक आ जाएगी। इस एक रूटीन को फॉलो करके आप इस बढ़ती ठंड में भी अपनी त्वचा को ग्लोइंग और हेल्दी रख सकती हैं। फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में स्किन का क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसे भी आप अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।